भारत की जीत में धवन ने बल्ले से अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें जीत का सबसे बड़ा नायक यानी मैन ऑफ द मैच नहीं चुना गया। बांग्लादेश की पारी में सबसे ज्यादा 3 विकेट लेने वाले जयदेव उनादकट भी मैन ऑफ द मैच नहीं चुने गए। बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच चुने गए महज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला खेल रहे विजय शंकर। बतौर ऑलराउंडर टीम में खेलने वाले विजय शंकर ने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इनमें बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह का विकेट शामिल है। भारतीय टीम में जगह बनाने को बड़ी बात माने जाने वाले शंकर ने मैच के बाद कहा कि हर क्रिकेटर इस टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब देखता है। मेरे लिए एक गर्व का पल है। टीम के सीनियर खिलाड़ियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। धोनी और विराट भाई मेरे आदर्श हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में विजय ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उस मैच में उन्हें सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला और 15 रन खर्च करके उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था। लेकिन दूसरे मैच में वो मैन ऑफ द मैच चुने गए और उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना तमखम बाकी है। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, साथ ही हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।